भी दुकान नहीं खुली है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हमारे देश में धर्म और जात के नाम पर किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। कर्नाटक में हिजाब पर विवाद हो रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र में अजान और नमाज पर विवाद है, मगर यूपी में तो बिरयानी पर ही बवाल मचा हुआ है। किस तरह से सांप्रदायिकता की आग हमारे देश में बढ़ते जा रही है, इसी वीडियो से ये पता चलता है। ये वीडियो मेरठ का है, जहां वेज बिरयानी बेचने वाले की बिरयानी सोमसेना के कार्यकर्ताओं ने ये कहते हुए जमीन पर पलट दिया कि इसमें गोश्त है। मेरठ की गलियों में घूम घूम कर नारेबाजी करते हुए ये सोमसेना के कार्यकर्ता हैं और पुलिस इनके पीछे पीछे दौड़ रही है, इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि ये आरोपी सोमसेना से जुड़े हुए हैं और बिरयानी बेचने वाले के साथ इन लोगों ने ये कहते हुए मारपीट की कि ये बिरयानी गोश्त मिलाकर बेच रहा है, मगर असल में ये वेज बिरयानी बेच रहा था। उसके बाद भी इसके साथ मारपीट की गई, इसका ठेला गाड़ी पलटी कर दिया गया। जो आरोपी है उसका नाम सचिन खटिक बताया जा रहा है। ये पूरा मामला 2 अप्रैल का है, मगर इसकी वीडियो अब सामने आई है और आरोपी सचिन खटिक से थानेदार ये खुद कहते हुए वीडियो में सुनाई दे रहे हैं कि मैं खुद कट्टर हूँ तुम्हारी तरह, लेकिन स्थिति को समझो सचिन। बहरहाल इस पूरे मामले में सचिन खटिक सहित 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, मगर अभी तक किसी की गिरफ्तारी होने की खबर सामने नहीं आई है। पुलिस के मुताबिक इन सभी लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और इन आरोपियों की हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। जो क्षेत्र हिंदू हृदय सम्राट का है उसके काल में घुस भरेंगे, जो धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं, 100 बार गिरफ्तार, 100 बार फांसी। मीट की दुकानें खुलेंगी सारी सरकार में, फायदा क्या बैंक पहला दिन है आज ही मीट की दुकानें।